नमस्कार, विजय केसरी के लाइव पेज पे आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें सेक्टर 6 पंचकुला नागरी अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला, जहां पर एक हरबिलाप नगर के निवासी की बात करी जाए तो एक नौजवान युवक जो है वो मृत अवस्था में या फिर ब्रॉड डेड अवस्था में बात करी जाए तो सेक्टर 6 नागरी अस्पताल में परिजन जो है उसको लेकर पहुँचे। आगे की बात करें तो परिजनों ने बताया कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय घर पर माँ और एक बहन घर पर थी। मृत युवक के भाई ने बताया कि इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और जब बार बार घर वालों ने गेट को खुलवाया और जब गेट नहीं खुला पाया तब उसे तोड़ने के बाद पता चला कि युवक ने अपने आप को अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। परंतु घर वालों ने अभी भी सोचा कि शायद युवक के शरीर में जान बची हो, जिसको लेकर वो युवक के भाई और पिता उसे नज़दीक जो निकट अस्पताल की बात करें तो नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला पड़ता था उसको लेकर पंचकुला पहुंचे। डॉक्टरों ने उस युवक को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था। युवक की बात करें तो युवक का नाम आशीष बताया गया, जो कि कुछ दिन पहले ही अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म करके यह उपचार नामक की कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद जब बात करी जाए, परिवारजन की बात करी जाए और परिवार के सदस्यों की बात करी जाए तो बड़े भाई ने उसके परिवार के बड़े भाई के सदस्य की बात करें तो क्या कहा, सुनिए। नाम शुभम भाई, सर छोटा ब्रदर है मेरा, ठीक है। मैं काम पे था सर, तो मेरे को दो ढाई बजे पौने तीन बजे मेरे को फ़ोन आया मेरे डैडी का। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है, वो दरवाज़ा बंद करके अंदर है, वो तो खोल नहीं रहा दरवाज़ा। तो मैं वहाँ से आया हूँ तो उसके बाद मैंने देखा तो इन्होंने ये बॉडी गाड़ी में डाल रहे थे, छोटे भाई को गाड़ी में डाल रहे थे। तो उसके बाद मैंने वहाँ से जाके देखा मैंने, तो मैं फटाफट मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, गाड़ी घुमाई है, तो मैं 6 में आया हूँ कि नज़दीक अस्पताल हमको यही पड़ता है 6 सेकंड। तो कोई दिक्कत परेशानी थी जिस, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन लिया गया, इतना बड़ा फैसला किया लड़के ने, तो कुछ कोई लगी दिक्कत परेशानी? ऐसी कोई बात नहीं थी, बस रात को थोड़ी सी डैडी ने बोला था भी थोड़ी सी लाते दबाते मेरी थी, तो वही 9:30-10 बजे का टाइम था। तो ये कह रहा नहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं सैर करने जा रहा हूँ। तो डैडी ने बस यही बोला कि 10 बज गए हैं अब, क्या रात को घूमने का टाइम है? तो बस इतने में डैडी ने थोड़ा बहुत बोल दिया, बस यही बात हुई थी रात को, कोई बात नहीं हुई, ना सुबह हुई ना कुछ हुआ। अच्छा, लड़के का नाम क्या है जी? आशीष। क्या उम्र होगी इसकी? 19-20 साल है। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या मतलब कहीं जॉब? लॉकडाउन से पहले प्लस 2 करी थी, जॉब अभी जॉब लगी थी इसकी, 1.5 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, ये दिव्या उपचार में जॉब करता था। किसी से आपसे कोई झगड़ा हो, किसी से कोई बहस हुई हो, किसी यार दोस्त से? कोई बहस नहीं, अभी तो फिलहाल 2-3 दिन से घर पर ही था। अभी मामा जी की डेथ हुई थी, वो वहाँ गया हुआ था अमृतसर, वहाँ लगा के आया, ये 1.5 हफ्ता तक वहाँ लगा के आया है। कितने बजे की बात है सर ये 2:30-3 बजे की बात है। 2:30-3 बजे आप दिन की? तो आपने मतलब किसने बॉडी को खोली थी ये तो पता नहीं भैया। अच्छा, मतलब आपको कॉल किसने करी थी? मेरे डैडी ने फोन किया था। अभी इसने कौन से कपड़े पहन रखे थे लड़के ने? अभी इसने ब्लैक टी शर्ट डाल रखी है और ग्रे सा वाइट सा बड़े बड़े डब्बों वाला कच्चा डाल रखा है। अच्छा, अभी आपको यहाँ 6 सेक्टर हॉस्पिटल की बात करी जाए तो यहाँ से क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि बॉडी आप पिछले 2 घंटे से लेके बैठे हैं और आपको बॉडी जो है आपकी मतलब दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ तो पोस्टमार्टम किया नहीं जा रहा है। एम्बुलेंस के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं आप अपनी एम्बुलेंस लेके आओ अगर जी, और हमने इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने नंबर दिया है एम्बुलेंस का, वो कह रहे हैं 1600 रुपये लगेंगे 13 बजे तक जाने के लिए। मतलब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट एम्बुलेंस के बारे में बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट एम्बुलेंस कीजिए, हम आपको एम्बुलेंस नहीं देंगे। हाँ जी, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और बॉडी को भी फिलहाल 2-2.5 घंटे हो चुके हैं? 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, 3 बजे आए थे हम। अच्छा, 3 बजे आए थे। अच्छा, बॉडी को आप लेकर कैसे आए थे वहाँ से? हम अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके आए थे। ठीक है, तो बच जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं लगा कि हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ सांसें हों, बच जाए, तो इस करके बच गया, इस करके हम अपनी गाड़ी में ले आए थे। उस वक्त भी एम्बुलेंस का वेट करते तो बिल्कुल, क्योंकि अभी नहीं मिल रही एम्बुलेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जनरल सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो बॉडी मिली है आपको, ये क्या, इसके बारे में जरा खुल के बताएंगे क्या दिक्कत परेशानी आ रही है और आप कब से हैं यहाँ पर, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर 3 बजे आए हो यहाँ पर सर। अच्छा, डेड बॉडी आई थी। ठीक है, पोस्टमार्टम में कहते अभी कर नहीं सकते, सिविल अस्पताल डेरा बस लेके जाओ। अच्छा, तो उन्होंने क्या थी अभी अपने एम्बुलेंस प्रोवाइड करा दो सू, भी अभी सिविल अस्पताल डेरा बस लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी साढ़े को एम्बुलेंस का कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है, अपनी आप लेके आनी चाहिए। अभी 3 बजे खड़े हैं, 5 बज चुके हैं। तो 2 घंटे से मतलब आपको बॉडी मतलब आपको मिल चुकी है लेकिन उसको ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है ना। अच्छा, कोई एम्बुलेंस खड़ी है सारी यहाँ, पर एक घंटे भी साढ़े को नहीं है। ठीक है, तो आपको जो ये मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, जबकि ये जो बॉडी यहाँ पर लेकर आए थे जो परिजन जो बता रहे हैं, वो बॉडी आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी? इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी ना, सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला। अच्छा, यहाँ से हॉस्पिटल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी।
ठीक है, आगे की अब क्या कार्रवाई है जी? ये सिविल अस्पताल डेरा बस लेके जानी है बॉडी जी, पोस्टमार्टम। हाँ, फिलहाल सेक्टर 6 के अस्पताल की बात करें तो आपको यहाँ से मदद नहीं मिल रही है। नहीं जी, थैंक यू सो मच जी। आगे तस्वीरों की बात करी जाए तो परिजन जो हैं वो 2.5 घंटे से मृत बॉडी को लेकर उसके आगे बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन अगर बात करी जाए स्वास्थ्य विभाग की, सेक्टर 6 सिविल अस्पताल की बात करी जाए तो परिजन की कहीं ना कहीं शिकायत ज़रूर है कि हाँ उन्हें एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करी गई और बॉडी को यहां से डेराबसी सिविल अस्पताल ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था नहीं करी गई। वहीं अगर पुलिस पलटाना पुलिस चौकी की बात करी जाए तो उनकी भी यही शिकायत थी कि 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था और सुविधा नहीं मिली।